इस फिल्म का नाम है आउटपोस्ट और इसमें नाजी सोल्जर्स वापस से जिंदा हो जाते हैं एंड देन ये कैसे कुछ सोल्जर्स को मारते हैं और वापस अपने जगह पर कंट्रोल पाते हैं ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। बाकी अगर तुम्हें पूरी फिल्म देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाकर देख सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम एक साइंटिस्ट हंट को देखते हैं जो कि खास मिशन के लिए एक एक्स सोल्जर डीसी को हायर करता है। असल में हंट को मिनरल्स की तलाश के लिए एक ऐसे एरिया में जाना था जो कि वॉर जोन था, जहां पर जंग के हालात थे। वहां वॉर मिलिट्री और वहां के लोकल लोगों के बीच हो रही थी और इसीलिए वो डीसी को हायर करता है ताकि वो उसकी सिक्योरिटी के साथ अपनी टीम को लेकर वहां जा सके। और ये एक काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। डीसी हंट के साथ अपने इस डील को शुरू करता है और एडवांस ले लेता है और अपनी एक सोल्जर टीम के साथ उस जगह के लिए चल पड़ता है। उसकी टीम में 6 सोल्जर्स होते हैं और उन सब का एक अलग रोल था। वो लोग सावधानी से हंट को उस जगह तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पर उन लोगों को एक काफी पुराना मिलिट्री शेल्टर दिखाई देता है। तो 2 सोल्जर बाहर निगरानी के लिए रुकते हैं और हंट के साथ बाकी सोल्जर अंदर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। शेल्टर के बाहर रुके हुए सोल्जर्स को जंगल की तरफ कुछ दिखाई पड़ता है जिससे वो फायरिंग शुरू करने लगते हैं और तभी गोलीबारी की आवाज से अंदर गए हुए सोल्जर्स भी बाहर आकर चेक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक से उन्हें रेडियो पर एक तेज फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जिससे सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक सोल्जर रेडियो को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन उसके सोल्जर पर गोली लगने से वो घायल हो जाता है। अब डीसी एक सोल्जर को जंगल में डीप चेकिंग के लिए भेजता है और इतने में वहां मौजूद दूसरा सोल्जर घायल सोल्जर के कंधे से गोली निकालकर उसकी मरम्मत कर रहा होता है। जंगल से वापस आकर सोल्जर बताता है कि वहां कुछ भी नहीं है। तब डीसी फिर से 2 सोल्जर को बाहर निगरानी करने के लिए शेल्टर के बाहर छोड़ता है और बचे हुए सोल्जर्स फिर से शेल्टर के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने लगते हैं। शेल्टर में उन्हें एक जनरेटर मिलता है जिसे हंट ऑन कर देता है। शेल्टर के अंदर 2 सोल्जर्स ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और देखते ही देखते उन डेड बॉडीज में से एक का हाथ बाहर आता है। बस फिर सोल्जर्स चिल्लाकर डीसी को बुलाते हैं और इन डेड बॉडीज में से उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि जिंदा था लेकिन अनकॉन्शियस। वो उसे देखकर साफ अंदाजा लगा पा रहे थे कि ये किसी गहरे सदमे में है। खैर लेटर ऑन दे गेट टू नो कि ये मिलिट्री शेल्टर असल में नाजी सोल्जर्स का है और वहां पर नाजी सोल्जर्स आम इंसानों पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे। तब डीसी हंट से पूछता है कि इन सब का उसके रिसर्च से कोई कनेक्शन तो नहीं, जिस पर वो साफ मना कर देता है। अब डीसी को ये काम करने के पैसे मिल रहे थे तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब एक सोल्जर उस आदमी को एक रूम में ले जाकर बैठा देता है और उसे मॉनिटर करने लगता है। दूसरी तरफ हंट एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर काफी पुरानी और बड़ी मशीन पड़ी हुई थी और हम समझ जाते हैं कि हंट असल में इसी मशीन की तलाश में यहां पर आया था। हंट किसी एसोसिएशन के साथ काम करता था जिन्हें वो अपनी सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा था। दूसरी तरफ सोल्जर उस आदमी को बुलवाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो अनकॉन्शियस आदमी अभी भी चुप था। अब सोल्जर के हाथ से कॉइन नीचे गिरने पर जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तब उसे दिखता है कि उस अनकॉन्शियस आदमी के पीछे कोई खड़ा है, जिससे वो जल्दी से अपने गन को तान लेता है लेकिन दोबारा देखने पर उस आदमी के पीछे वहां पर कोई भी नहीं होता है। इतनी देर में वहां पर डीसी भी आ जाता है और सोल्जर को वो रेडियो रिपेयर करने के लिए बाहर भेज देता है। हंट अब अपने काम में बिजी था लेकिन उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलट कर देखने पर पीछे कोई भी नहीं था। घबराकर वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन डीसी ने गेट लॉक कर दिया था और यहाँ एक बार फिर उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है और दोबारा मुड़कर देखने पर वापस से वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। कुछ ही देर में डीसी वहां आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। तब हंट कहता है कि उसके सोल्जर उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। उसी रूम में आकर डीसी भी हंट का असल रीजन समझ जाता है लेकिन डीसी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस मशीन का हंट करेगा क्या और आखिर वो इतनी ज्यादा प्रीशियस है कि जिसके लिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ आ गया है। तब हंट बताता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजी मिलिट्री इसी मशीन की हेल्प से जंग जीतना चाहते थे और जिस रूम में उन आदमियों की डेड बॉडी मिली थी उस रूम में इस मशीन की वजह से बनाई गई एनर्जी ही कंट्रोल की जाती थी और वहां पर कलेक्ट किया जाता था और इस दौर में इस मशीन का कोई भी यूज नहीं होता और अब ये काफी ज्यादा प्रीशियस हो चुकी है। अब सीन किसी सोल्जर पर आता है जिसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे वहां एक इंजर्ड आदमी दिखता है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। अब सोल्जर जल्दी से वहां से भागकर अपने फ्रेंड सोल्जर के पास आ जाता है। वो समझ रहा था कि शायद उसने कोई भूत देख लिया हो। वहीं एक सोल्जर रेडियो फिक्स कर रहा था लेकिन तभी अचानक से पूरे शेल्टर के सारे स्पीकर में जर्मन सॉन्ग प्ले होने लगते हैं जैसे नाजी की एंट्री हो चुकी है। अब वो सोल्जर उस रेडियो को बंद करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होता, लेकिन वहां शॉर्ट सर्किट हो जाने से रेडियो अपने आप बंद हो भी जाता है। शेल्टर के बाहर बॉम्ब गिरने की आवाज अब सुनाई देती है लेकिन कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। अब सब सोल्जर्स देखते हैं कि पूरी जंगल में रोशनी फैल चुकी है और रोशनी में बहुत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे थे। अब वो सब सोल्जर उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं लेकिन खड़े हुए लोगों में से एक भी नहीं मरता और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और वहां पर भी अंधेरा छा जाता है जिससे सभी गायब हो जाते हैं। अब हमें ये देखकर पता चल चुका था कि ये कोई आम सोल्जर्स या आम लोग नहीं है बल्कि ये है नाजी ज़ॉम्बीज। खैर डीसी चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उनका एक सोल्जर भी अब गायब हो चुका है और उसकी जगह पर एक आयरन क्रॉस पड़ा हुआ है। अब ये देखकर सब काफी हैरान चुके थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि वो आयरन क्रॉस नाजी सोल्जर्स के पास ही रहता था। वहीं उनमें से एक सोल्जर डीसी को एक बुलेट दिखाता है। ये बुलेट काफी पुरानी थी और वो अब किसी काम की भी नहीं थी, और इस गोली को फायर करना इम्पॉसिबल था क्योंकि इसे चलाने वाला ही खुद मारा जाता। इन सब चीजों से काफी परेशान होकर डीसी अनकॉन्शियस आदमी को गन पॉइंट पर कर देता है, और अब पहली बार वो अनकॉन्शियस आदमी अपना गर्दन उसकी तरफ मूव करके उसे देखता है, जिससे सीन स्विच होकर के डीसी के पास आ जाती है। अब डीसी हंट के पास जा रहा था। हंट वहां उसे प्रोजेक्टर पर एक मूवी दिखाता है, और तब इन्हें पता चलता है कि नाजी मिलिट्री इस मशीन के जरिए मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, और इससे वो एक ऐसी फौज बनाना चाहते थे जो कभी भी ना मारी जाए, यानी कि इमॉर्टल हो। खैर, इसमें उन्हें काफी सक्सेस भी मिली। नाजी सोल्जर्स को उस कमरे में ले जाया करते थे जहां पर उस रूम में बनाई गई एनर्जी को जमा किया जाता था। सोल्जर्स को वो एनर्जी देने के बाद वो मार देते थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मरते थे। इसके बाद जर्मनी जंग हार गई और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए, लेकिन आज भी वो सारे सोल्जर्स अभी तक वहां पर आते हैं, और जो भी वहां पर आता है इन नाजी ज़ॉम्बी सोल्जर्स उन्हें मारने का काम करते हैं, क्योंकि असल में उन्हें इसी मकसद के लिए क्रिएट किया गया था। ये सुनते ही डीसी वहां से निकलने का सबको ऑर्डर देता है, जिस पर हंट बताता है कि वो इतनी आसानी से अब यहां से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे थे उनके पास सारे सोल्जर्स का बायोडाटा है, और अगर ये मिशन कंप्लीट किए बिना ही यहां से चले गए तो उनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके आगे हंट बताता है कि उसने सोल्जर्स की एक और टीम को यहां पर बुलाया है, और कुछ ही देर में वो भी यहां पर आने वाले हैं। तभी डीसी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि ये वही सोल्जर है जो गायब हुआ था, और इसकी आवाज जंगल से आ रही थी। एक्चुअली में नाजी सोल्जर उसे टॉर्चर करके मार रहे थे, जिससे सभी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हंट को मैसेज आता है कि दूसरी सोल्जर की टीम को वहां पहुंचने में अभी भी करीब 72 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन वो ये बात किसी को भी शेयर नहीं करता। ऊपर सब लोग छिपकर बैठे हुए थे, तभी अचानक से एक नाजी सोल्जर वहां पे आता है और एक सोल्जर को दबोचकर मार डालता है। सुबह सोल्जर्स को दो सोल्जर्स की बॉडी सर से जुड़ी हुई मिलती है, वो उन लोगों के लिए एक वार्निंग थी। वहीं क्लोजली देखने पर नोटिस होता है कि एक सोल्जर की आंख पर नाजी ज़ॉम्बी सोल्जर्स ने बुलेट घुसाई हुई थी। ये देखकर डीसी वहां से निकलने के लिए ऑर्डर देता है, और वो एक दूसरे सोल्जर को हंट के पास उसे बुलाने के लिए भेजता है। वो सोल्जर हंट के पास जा रहा होता है उसे बुलाने के लिए कि तभी एक नाजी ज़ॉम्बी सोल्जर पीछे से आकर उसे उठाकर दीवार से चिपका देता है और उसे क्रश करके मार देता है। अब ये हंट देख लेता है तो वो उसे गन से शूट करता है, लेकिन इसका नाजी ज़ॉम्बी पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन गोली की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि देखते ही देखते वहां से वो दोनों ही गायब हो जाता है। हंट अब बाकी को भी मूवी दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी भूतों पर ट्रस्ट नहीं करता था और ना ही ज़ॉम्बीज पर। लेकिन तभी उस मूवी में उन्हें वही अनकॉन्शियस आदमी नजर आता है जो उन्हें रियल में मिल चुका था, और हमें पता चलता है कि वो भी एक सोल्जर ही था जिसका नाम ब्रीदर था। ये देखकर एक सोल्जर उसके सिर में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। इसके बाद अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और ब्रीदर उस सोल्जर को लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो उसका पार्टनर सोल्जर मरा हुआ मिलता है, और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ था, यानी कि इसका मतलब कि सिर्फ 4 सोल्जर ही जिंदा बचे हुए हैं। इस इंसिडेंट से सबको अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और अब वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब सभी उस मशीन को यूज करके नाजी ज़ॉम्बी मिलिट्री को फंसाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं और हंट उस मशीन को रिपेयर करके इस्तेमाल के काबिल बना देता है। अब रात होने के साथ ही एक बार फिर से जंगल में चारों तरफ रोशनी छा जाती है, लेकिन इस बार नाजी ज़ॉम्बी सोल्जर्स के साथ उनका लीडर ब्रीदर भी था। अब नाजी आगे बढ़ने लगते हैं और सोल्जर्स उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता। नाजी शेल्टर के पास आ गए थे तो सोल्जर उसके अंदर चले जाते हैं और नाजी भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप था और वो उन नाजी सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उस मशीन तक लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस कोशिश के दौरान उनका एक और सोल्जर मार जाता है, मतलब कि अब बचे सिर्फ 3 सोल्जर। खैर, नाजी ज़ॉम्बीज़ को मशीन तक लाने के बाद हंट मशीन ऑन कर देता है और उस मशीन से एक एनर्जी वेव निकलती है जिससे सारे नाजीज़ बेजान हो जाते हैं। वो लोग इसे अपनी जीत समझने लगते हैं, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वो मशीन ऑफ हो जाती है। मशीन के बंद होते ही वो सारे नाजीज़ फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो एक सोल्जर को पकड़कर मार देते हैं, मतलब कि अब बचे हुए थे सिर्फ 2 लोग, एक डीसी तो दूसरा हंट। वो दोनों ही एक रूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड होने से अब तेजी से भाग नहीं पा रहे थे। ऐसे में हंट वेंटिलेशन पाइप के जरिए वहां से निकलने लगता है और डीसी खुद रुककर उन सोल्जर्स का मुकाबला करता है, लेकिन यहां पर ये बहुत बड़ा बेवकूफी का कदम था, क्योंकि भाई वो एक ज़ॉम्बी है, या कह सकते हो कि एक तरह का भूत, तो उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला, और इसी के कारण डीसी भी अब मारा जाता है। दूसरी तरफ हंट पाइपलाइन के जरिए डेड बॉडीज के रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर ब्रीदर ऑलरेडी पहले से ही पहुंचकर उसका वेट कर रहा था, और इस वजह से हंट भी अब मारा जाता है। अब दूसरी सोल्जर टीम भी वहां पहुंच जाती है और उनके साथ भी वही खूनी खेल होना था जो पहले आए सोल्जर्स के साथ हो चुका था, और इनकी डेथ के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बाकी अगर तुम्हें कोई और मूवी देखनी है
तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।